हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनंत कुमार, आपकी वीडियो देखिए आनंद राशि चैनल पे। गाइस आज हम सीखेंगे कैसे एक कर्व का जैसे कि इसकी हाइट 20 मीटर है और लेंथ और हाइट इसकी 5 मीटर है, तो हमारी ये लेंथ क्या होगी। तो गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि हमारे कैमरामैन भी कंफ्यूज थे कि इसकी लेंथ क्या होगी। चलिए गाइस आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका होता है और सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें लेंथ, जो कि गाइस तीनों बड़ी डिफिकल्ट पड़ जाती है एक छोटे से किसी भी काम के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ कैसे निकालेंगे। तो 20 प्लस ए अपॉन बी इनटू एच हाइट हो गई और लेंथ हो गई 20। तो बात करें इसे थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 5 पंजे 25, तो 25 तो यही हो गया और 5 और 20 और 5 पंजे 25 और यहां से ये काट देंगे तो दो ये बचा एंड और अभी अब कुछ नहीं कर सकता तो अब लिख देते हैं जैसे कि 20 प्लस 5 10 अपॉन 3 और इसकी गुणा कर लेते हैं 20 इंटू 3 प्लस 10 अपॉन 3 और यहाँ पे आ जाते हैं 3 दूनी 6 60 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 70 अपॉन 3। तो गाइस डिवाइड कर लेते हैं, कुछ समझ में आया हो तो पॉज कर करके जरूर देखिएगा। तो हो जाता है थ्री अपॉन 3 मीटर। तो गाइस इसकी एक्चुअल लेंथ होगी 23.3 मीटर। तो आप समझ गए कि इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, इससे बड़ी होगी ये तो कंफर्म था और ये टोटल हमें लेंथ मिल गई। हमने अभी तक लेंथ डिफाइन की है, अब हमें एरिया डिफाइन करना है। तो पाई बाय 4d² लगा देते हैं सीधे, तो ये फॉर्मूला फिट कर देते हैं इसके अंदर। तो बात करते हैं हम डाया जो मानेंगे किसे मानेंगे। पाई बाय 4 into d² हो गया 3/3 square। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, पाई बाय 4 3/3 square। तो एरिया जो हो गया इसका 427.48 मीटर स्क्वायर। अब भाई इसका वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है गलत हो गया, थिकनेस जो है वो 150 mm है। तो कुछ नहीं करना है वैसे, तो यही फॉर्मूला लगेगा पाई बाय 4 into 23 square 0/15। ये हाइट आ जाती है या डेप्थ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। और इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई बाय 4 23/33 square 0.15। तो गाइस 64.12 m³। तो गाइस आप समझ गए होंगे शायद कि एरिया वॉल्यूम और लेंथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से। आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।